एवरीवन, वेलकम टू ऑल। सो आज देखने वाले हैं रोल ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी में क्या यूज होता है कंप्यूटर का। बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन आ चुका है, सो इसे हम अच्छे से देखने वाले हैं। इससे पहले हमने आईसीटी के प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, अगर वो नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सो बायोलॉजी साइंस की बात जब हम करते हैं तो आपको पता है कि ये क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर लिविंग एनवायरनमेंट एंड वेरियस इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या होता है, एक स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की विद रिस्पेक्ट टू देयर एनवायरनमेंट और नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक। तो ये ट्रेडिशनल था, पर अभी मॉडर्न डिस्कवरीज ने क्या किया है कि इसे कन्वर्ट कर दिया है सेल बायोलॉजी में, बेसिक जेनेटिक्स में, बायो इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी। अब आप सोच सकते हैं कि विदाउट कंप्यूटर ये पॉसिबल था, मतलब सेल बायोलॉजी हो गया आपका, जेनेटिक्स हो गया, ये बायोटेक्नोलॉजी हो गया, विदाउट कंप्यूटर ये आईसीटी, दीज आर नॉट पॉसिबल। सो बायोलॉजी हैज़ द सब्जेक्ट बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट, यानी कि थ्योरी एंड प्रैक्टिकल दोनों ही होता है बायोलॉजी में। तो इससे मतलब टीचिंग में क्या होगा, इसका यूज़ क्या होगा, तो देखिए ये क्या प्रोवाइड करता है, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअल यूनिवर्सिटीज, ई कोचिंग, ई एजुकेशन एंड जनरलिज्म। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एज अ बायोलॉजी टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट बोथ। सो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया बात आईसीटी का क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजी में। और देखते हैं और कहाँ कहाँ यूज़ है। तो देखिए टीचिंग में इसका यूज़ करते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में और हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, रेमेडियल टीचिंग में, इवोल्यूशन में, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में, डेवलपमेंट ऑफ वर्चुअल लाइब्रेरीज, ऑनलाइन ट्यूटरिंग और डेवलपमेंट ऑफ रीजनिंग एंड थिंकिंग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आईसीटी एज आईसीटी फॉर। आप टीचिंग के लिए जा सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, रेमेडियल टीचिंग करवा सकते हैं, इवोल्यूशन के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके एडवांटेज क्या हैं। देखिए बायोलॉजिकल टीचिंग का आईसीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 80% जो है, हमें पता है कि जब हम कोई चीज़ देखते हैं, यानी लर्निंग थ्रू विजुअल, यानी जब विजुअलाइज करके देखते हैं तो हमें वो 80% याद रहता है। तो आप क्या करें, अब बच्चों को जब आप कोई पार्टिकुलर टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जैसे आप सर्कुलेशन पढ़ा रहे हैं, तो आप सर्कुलेशन को एज इट इज़ बता देंगे 2D में बता के, तो वो शायद उतना उन्हें समझ नहीं आएगा। पर वहीं पे अगर आप प्रोजेक्टर का यूज़ कर रहे हैं, आप बता रहे हैं हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, कहाँ से कौन सा ब्लड कब आता है, कब जाता है, कब नोट्स क्या रोल प्ले करते हैं, कब इलेक्ट्रिक सिग्नल होता है, ये सारी चीज़ें जब आप उन्हें बताएंगे, वेन्स कहाँ होती, कैपिलरीज, वेन्स को दिखा के उनका डिफरेंस बताएंगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से और इंटरेस्टिंग वे में उसे सीख पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट। ये आप समझ में आया आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फॉर विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिकुलर टॉपिक वुड बी इजिली अंडरस्टूड बाय द स्टूडेंट टीचर, इट विल मेक इफेक्टिव ऑफ टीचिंग स्टूडेंट टीचिंग गेन नॉलेज ऑफ इंटीग्रेटिंग आईसीटी इन द क्लासरूम एंड इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये इसकी वजह से क्या होगा कि काफ़ी हेल्दी इन्वायरमेंट बन जाएगा टीचर और स्टूडेंट के बीच में। और क्या क्या इसके एडवांटेज है, तो इलिमिनेट टाइम बैरियर, यानी टाइम बैरियर को ये ख़त्म करता है फॉर लर्नर एंड टीचर दोनों के लिए, जल्दी हो जाएगा कोई टॉपिक, आपको उतना ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इलिमिनेटिंग ज्योग्राफिकल वैल्यू, यानी कि आप दूर दूर तक ई लर्निंग के थ्रू आप चीज़ों को, अपने कॉन्टेंट को भेज सकते हैं, तो ये भी एक इसका फ़ायदा हुआ, ठीक है। उसके बाद इंट्रैक्शन करवा सकते हैं, थाटफुल जो आपकी टीचिंग है वो करवा सकते हैं, एसिंक्रोनियस इंट्रैक्शन इज मेड पॉसिबल लीडिंग टू थाटफुल एंड क्रिएटिव इंट्रैक्शन। सो प्रेजेंट सिनेरियो में कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ किए जा रहे हैं, तो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी करेंटली यूज इन बायोलॉजी, कौन कौन से हैं तो देखते हैं आगे हम। कंप्यूटर इन क्लासरूम, कंप्यूटर का यूज़ क्लासरूम में, फिर दूसरा है क्लासरूम वेबसाइट, तीसरा है क्लास ब्लॉग्स बना दें, आप विकीपीडिया पे चीज़ें डाल दें तो वहाँ से बच्चे सीख पाएंगे, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड यानी स्मार्ट बोर्ड आप लगवा के सारी चीज़ें आप उन्हें विजुअलाइज करा के दिखा सकते हैं, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूजर्स हैं फॉर बायोलॉजिकल टीचर, ठीक है। तो ये हो गया, सो इसी के साथ ख़त्म होता है ये टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको और ऐसे वीडियोज़ मिल सके। थैंक यू सो मच।